नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे ककोल जलप्रपात के बारे में। बिहार समेत पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। ऐसे में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में और कड़े नियम लगाए जाने की बात कहे जा रहे हैं। कोरोना को लेकर अब साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है। बिहार में कश्मीर कहा जाने वाला शीतल जलप्रपात, एकमात्र जलप्रपात ककोलज जलप्रपात, अब पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। नवादा के ऐतिहासिक शीतल जलप्रपात ककोलज में सैलानियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसा आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल यानी कि साल 2020 में भी इसे बंद करा दिया गया था। आपको बता दें कि रजौली के अनुमंडल पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद द्वारा सैलानियों के प्रवेश पर रोक को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में जिला संपर्क पदाधिकारी गुप्तेश्वर कुमार ने बताया कि 13 अप्रैल से अगले आदेश तक के लिए जलप्रपात तक जाने पर रोक लगा दी गई है। आपको यह भी बता दें कि गोविंदपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी और थानाध्यक्ष की अनुशंसा पर ऐसा निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि जिले में पिछले साल के मुकाबले कोरोना संक्रमण में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि गर्मी के दिनों में सैलानियों का यहाँ तांता लगा रहता है। काफी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। देश के विभिन्न राज्यों से जो लोग बोधगया, राजगीर आते हैं, वो एक बार जरूर ककोलज आते हैं। लेकिन अब पिछले दो बार से ककोलज आने वालों को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि कोरोना काल के कारण पिछले साल भी ककोलज के दरवाजे बंद थे और इस साल यानी कि साल 2021 में भी ककोलज के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। यह जलप्रपात प्राचीन काल के प्राकृतिक प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। आजादी के पहले घन जंगल और दुर्गम रास्तों के बावजूद यह जलप्रपात अंग्रेजों के लिए गर्मी में प्रमुख पर्यटन केंद्र हुआ करता था। प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को यहां 5 दिवसीय सतुवानी मेला पर लोगों का जमावड़ा लगता है। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद शेष बिहार में ककोलज अकेला ऐसा जलप्रपात है जिसका पौराणिक और पुरातात्विक महत्व है। 7 पर्वत श्रृंखलाओं से प्रवाहित ककोलज जलप्रपात और इसकी प्राकृतिक छटा बहुत सारे कौतूहलों को जन्म देती है। अंग्रेजों के शासनकाल में फ्रांसिस कुकानन ने 1811 ईस्वी में इस जलप्रपात को देखा और कहा कि जलप्रपात के नीचे का तालाब काफी गहरा है। इसकी गहराई को भरने के उद्देश्य से एक अंग्रेज अधिकारी ने आदेश पर स्नान करने वालों को स्नान से पहले तालाब में एक पत्थर फेंकने का भी नियम बनाया गया। इस तालाब में सैकड़ों लोगों की जाने जा चुकी है। 1994 में इस जलप्रपात के नीचे के तालाब को भर दिया गया जिससे लोग इसमें आराम से स्नान कर सके। नवादा स्थित ककोलज जलप्रपात को लेकर पौराणिक कथाओं की माने तो एक प्राचीन राजा एक ऋषि के अभिशाप से अजगर में बदल गया था और झरने के भीतर रहता था। लोक कथाओं की माने तो भगवान कृष्ण अपनी रानियों के साथ स्नान करने के लिए यहाँ आया करते थे। यह भारत में सबसे अच्छे झरनों में से एक है। यह झरना पूरे साल ठंडा रहता है। इस झरने की ऊंचाई जमीन के स्तर से लगभग 150 से 160 फीट है। कोरोना काल के दौरान इस जलप्रपात को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। ऐसे में गर्मी के दिनों में ककोलज आने वाले सैलानियों के लिए यह बुरी खबर है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।